दोस्तों, वन प्लस के फोन्स इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड उसके चलते उन्होंने एक्सेसरीज भी लॉन्च किया था। पहले ईयरफोन्स लॉन्च किया, पावर बैंक भी लॉन्च किया अभी रिसेंटली, एंड फाइनली दे हैव आल्सो लॉन्च्ड अ वेरेबल। वन प्लस वॉच का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो अभी नहीं आया। वन प्लस बैंड लॉन्च किया उन्होंने, वॉच भी देखते हैं थोड़े दिनों में आ जाएगा शायद। लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास है शाओमी का मी स्मार्ट बैंड 5 एंड शाओमी इज एन एस्टैब्लिश प्लेयर इन द स्मार्ट वेरेबल स्पेस। काफी सारे उन्होंने बैंड लॉन्च किए हैं इंडिया में, तो देखते हैं कैसे दोनों फिटनेस ट्रैकर्स कंपेयर करते हैं विद ईच अदर एंड विच वन यू शुड बाय। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं लुक्स एंड डिजाइन के साथ। तो दोनों फिटनेस ट्रैकर्स देखने में काफी सिमिलर दिखते हैं। रिमूवेबल कैप्सूल डिजाइन के साथ में आते हैं, चार्ज करना है आपको तो आप कैप्सूल से निकाल सकते हैं बैंड को या फिर आप बैंड चेंज भी कर सकते हैं। सिलिकॉन स्ट्रैप्स हमें देखने को मिल जाता है दोनों फिटनेस ट्रैकर्स के साथ एंड द क्वालिटी ऑफ बोथ स्ट्रैप्स आर वेरी सिमिलर। अगेन जो वन प्लस बैंड है उसका सिलिकॉन स्ट्रैप हमें थोड़ा बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड क्वालिटी, थोड़ा थिक भी है एंड इट जस्ट फील्स बेटर। दोनों फिटनेस ट्रैकर्स हाथों में पहनने पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं एंड लाइट वेट है, तो आप देर तक पहनेंगे या फिर आपको पसीना आ जाएगा हाथों में फिर भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जो मी बैंड 5 है वो थोड़ा क्लीनर लुक के साथ आता है हमारे ओपिनियन में कंपेयर टू दी वन प्लस बैंड, क्योंकि जो वन प्लस बैंड है उसके फ्रंट पे हमें ब्रांडिंग मिल जाता है वन प्लस का, विच डजंट नेसेसरी लुक बैड बट इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम दैट क्लीन मिनिमल लुक। दोनों फिटनेस ट्रैकर्स में हमें ऑफकोर्स वाटर रेजिस्टेंस मिल ही जाता है एंड इन टर्म्स ऑफ लुक्स जो वन प्लस बैंड है वो थोड़ा स्क्वायरिश डिजाइन के साथ आता है एंड द मी बैंड 5 एज अ स्लाइटली मोर राउंडेड लुक। अब लुक्स आर बेसिकली सब्जेक्टिव एंड आपको एक बैंड पसंद आ सकता है, किसी और को दूसरा बैंड पसंद आ सकता है। यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन के इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर लगा है। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ एंड हियर बोथ फिटनेस ट्रैकर्स गेट एन ओलेड डिस्प्ले एंड ओलेड डिस्प्ले है तो कलर्स जो है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं एंड ब्राइटनेस लेवल्स काफी हाई है। इवन इन आउटडोर सिचुएशंस आप डायरेक्टली धूप के अंदर भी डिस्प्ले देख रहे हैं तो आपको आराम से कंटेंट दिख जाएगा दोनों डिस्प्लेस पे। दोनों फिटनेस ट्रैकर्स के डिस्प्लेस पे टच रिस्पांस जो है वो सिमिलर है, काफी अच्छा टच रिस्पांस हमें मिल जाता है, कोई भी यहां पे इनपुट लैग नहीं है। वॉच फेसेस के मामले में मी बैंड 5 पे हमें बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू वॉच फेसेस और आप थर्ड पार्टी वॉच फेसेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं मी बैंड 5 पे। ऑन द अदर हैंड जो वन प्लस बैंड है वहां पे वॉच फेसेस काफी हद तक लिमिटेड है अभी के लिए एंड थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट नहीं है यहां पे। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर अपडेट्स के साथ वॉच फेसेस और ज्यादा लाएंगे वन प्लस एंड सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी एप्स विच हैव वॉच फेसेस ये भी अगर आएगा फ्यूचर में सो वी विल अपडेट यू एंड देन वी विल सी हाउ एग्जैक्टली इट फेयर्स। लेकिन अभी के लिए जो वॉच फेसेस का चॉइस है वो मी बैंड 5 पे बहुत ही ज्यादा है। फंक्शनलिटी की अगर बात करें तो अगेन दोनों फिटनेस ट्रैकर्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। द यूजुअल स्टेप्स वॉक्ड, डिस्टेंस वॉक्ड, कैलोरीज बर्नड, ये सब चीजें तो हमें मिल ही जाते हैं। स्लीप ट्रैकिंग भी है दोनों फिटनेस ट्रैकर्स में, हार्ट रेट मॉनिटर भी हमें मिल जाता है एंड देर आर सम वर्कआउट मोड्स, आप स्विमिंग साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं इन फिटनेस ट्रैकर्स के साथ। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि मी बैंड 5 में हमें PAI मिल जाता है विच इज लाइक एन एक्टिविटी स्कोर जो वीकली बेसिस पे आपको मिलता है एंड ऑन द अदर हैंड वन प्लस बैंड में हमें SPO2 सेंसर मिल जाता है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। कोरोना का टाइम है तो SPO2 काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये वन प्लस बैंड में मिल जाता है विच इज क्वाइट नाइस टू सी, मी बैंड 5 में ये नहीं मिलता एंड आई थिंक दिस इज वेयर द वन प्लस बैंड टेक्स एन अपर हैंड कंपेयर टू द मी बैंड 5। बाकी सारे एडिशनल फंक्शनलिटी तो है ही, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है दोनों फोन्स में, कैमरा शटर है, टाइमर, वेदर और स्टॉप वॉच, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाते हैं सारे फिटनेस ट्रैकर्स में। ऑफकोर्स नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं दोनों फिटनेस ट्रैकर्स पे एंड अगेन यहाँ पे मी बैंड 5 पे एक एडिशनल फीचर मिल जाता है विच इज ऑफकोर्स अ थर्ड पार्टी ऐप जिससे आप मी बैंड को कस्टमाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इवन रिप्लाई टू नोटिफिकेशन। अगर वो वाला वीडियो हमारा आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे देंगे, जरूर जाके देखिए, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। आपने सोचा भी नहीं होगा इतने हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं आप मी बैंड 5 को, सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट आफ्टर वॉचिंग this video। दोनों फिटनेस ट्रैकर्स का जो UI है वो इक्वली रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे कोई भी लैग्स या स्टटर्स हमें नहीं देखने को मिलता। सो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी इट ऑल कम्स डाउन टू वेदर यू वांट दैट एडिशनल SPO2 सेंसर या फिर आपको कस्टमाइजेशन ज्यादा चाहिए, फीचर ज्यादा चाहिए, इन विच केस यू शुड ऑप्ट फॉर द मी बैंड 5।
दोनों फिटनेस ट्रैकर्स जो है वो ऐप के थ्रू कनेक्ट होता है आपके फोन के साथ। तो जो मी बैंड 5 है वो मी फिट ऐप का यूज करता है एंड वन प्लस बैंड वन प्लस हेल्थ ऐप का यूज करता है। अब दोनों ऐप्स काफी ज्यादा फीचर रिच है, लेकिन मी फिट हमें थोड़ा ज्यादा पॉलिश लगा बिकॉज इट्स जस्ट दैट इट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी सालों से मी फिट रहा है एंड Xiaomi ने उसे अपडेट करके बहुत ही अच्छा बना दिया है। वन प्लस हेल्थ ऑल्सो सीम्स लाइक अ वेरी पॉलिश ऐप, UI हमें थोड़ा बेटर लगा है वन प्लस हेल्थ के ऐप पे, बट इट डजंट हैव एज मेनी फीचर्स एज द मी फिट ऐप। तो देखते हैं अपडेट्स के साथ वो भी बेटर हो सकता है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो OnePlus claims a battery life of 2 weeks on the OnePlus band. हमने तकरीबन 2 हफ्तों से ही यूज किया है इस फिटनेस ट्रैकर को एंड 2 वीक्स से तो ज्यादा ही बैटरी लाइफ आपको मिलेगा क्योंकि हमारे यूजेज में अभी तक तकरीबन 40% अभी भी बाकी है इवन आफ्टर यूजिंग द बैंड फॉर 2 वीक्स, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मी बैंड 5 में हमें ऑलमोस्ट 1 महीने का बैटरी लाइफ मिलता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, 20-25 दिन तो आपको आराम से मिल जाएगा। सो वी वुड से इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ दोनों फिटनेस ट्रैकर्स जो है वो काफी हद तक सिमिलर है, आपको बहुत सारे दिनों हफ्तों तक इन्हें चार्ज नहीं करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर यू बाय। आखिर में इट कम्स डाउन टू दिस फाइनल क्वेश्चन, कौन सा फिटनेस ट्रैकर आपको खरीदना चाहिए, मी बैंड 5 और वन प्लस बैंड? एंड हियर अगेन इट गोज बैक टू दी पर्सनल प्रेफरेंस विद रिगार्ड्स टू लुक्स। अगर आपको एक बैंड का लुक्स दूसरे बैंड से बेटर लगता है सो यू कैन चूज दैट। आफ्टर ऑल इट्स ऑल्सो फैशन एक्सेसरी, आप पहनने वाले इसे रोज, तो लुक्स ऑल्सो डज मैटर। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी अगेन SPO2 सेंसर अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो आप वन प्लस बैंड ले सकते हैं। इफ यू लाइक मोर कस्टमाइजेशन और आपको ज्यादा वॉच फेसेस चाहिए देन आई वुड सजेस्ट द मी बैंड 5 क्योंकि अगेन उस पे थर्ड पार्टी सपोर्ट भी है और आप उसे बहुत ज्यादा ट्वीक और कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर कंपैरिजन ऑफ द मी बैंड 5 वर्सेस द वन प्लस बैंड। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप इन दोनों में से कौन से फिटनेस बैंड खरीद रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।